प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन होता है। हम क्या कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम से दूर भाग रहे होते हैं। अब इसको ध्यान से समझना, दो लोग हैं एक ही कॉलेज में गए हैं, मान लो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, टॉप कॉलेज नहीं है, ये मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, भरे पड़े हैं इंडिया में, 4 साल तक लग करके दोनों ने पढ़ाई करी, पढ़ाई में ऑलमोस्ट एक जैसे थे, ना टॉपर्स थे ना बिल्कुल ही गए गुजरे थे, मीडियोकर थे, दोनों ने जॉब के लिए ट्राई किया, एक जगह किया, दो जगह किया, 10 जगह किया और जॉब मिली ही नहीं, ये क्या है, सक्सेस है फेलियर है, फेलियर है, 4 साल कुछ नहीं किया, 4 साल वेस्ट हो गए, पैसा भी वेस्ट हो गया, हर तरफ से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। तो क्या हुआ, एक बंदा डिप्रेशन में चला गया, उसने कहा मैं तो फेल हो गया लाइफ में, अब मेरे बस का कुछ नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा, और उसने क्या कहा, अब मुझे जो भी जॉब मिलेगी जैसी मिलेगी मैं कर लूँगा, ना से तो हाँ है, तो क्या हो रहा है, वो फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वहाँ से ना तो पैसा ज़्यादा आ रहा है, काम भी अपनी पसंद का नहीं कर रहा है, और घर वाले भी अच्छे तरीके से उसको सुना रहे हैं बेस्ड अपॉन हिज पास्ट फेलियर्स, उसको खुद को भी बार बार अपने पास फेलियर्स याद आ रहे हैं, तो नीचे धस्ता ही चला जा रहा है, इसको बोलते हैं रॉन्ग थिंकिंग। ऐसे ही होता है ना, ये मैं एग्जांपल यहाँ पे इंजीनियरिंग का दे रहा हूँ, यहाँ पे आप किसी रिलेशनशिप को भी रिलेट कर सकते हो, एक रिलेशनशिप में घुसे सबके अगेंस्ट जा करके और फिर ये हुआ और सब कुछ ही खराब होता चला जा रहा है, रिलेशनशिप डिवोर्स तक की नौबत आ गई, तो आदमी कैसे डिप्रेशन में जाता है, आदमी औरत व्हाटएवर। तो अब दूसरा जो बंदा है जो लाइफ में कुछ बड़ा करने वाला है, जिसकी सोच सक्सेसफुल लोगों के जैसी है, सक्सेसफुल लोगों की सोच कैसी होती है कि अगर कुछ भी मैंने किया है तो कुछ ना कुछ वहां से सीखा है, ऐसा कोई काम नहीं है जो आपने लाइफ में किया हो और उसका आपको कोई बेनिफिट ना हुआ हो, इम्पॉसिबल, अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा। होता क्या है, हम पहले ही अपने माइंड में सोच करके बैठे होते हैं कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं जिससे कि ये होगा, वो हो गया तो मैं खुश हूं, नहीं हुआ तो मैं दुखी हूं, इसको नैरो माइंडेड अप्रोच बोलते हैं, इसको मैकेनिकल थिंकिंग बोलते हैं, समझ गए ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि गोल सेटिंग नहीं करती है, गोल सेट करो, बट अगर वो गोल अचीव ना हो तो अपने दिमाग को खुला रखो, दैट इज कॉल्ड ओपन माइंडेड थिंकिंग। ये नहीं कि एक चीज नहीं हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर कोई कील ठोकने की कोशिश कर रहे हो और वो कील नहीं ठुक रही है, तो ये नहीं कि वहां पर लगे रहो, नहीं मैं तो ठोक के रहूंगा, मैं तो ठोक के रहूंगा। अब समझो, शायद आप कोई गलती कर रहे हो, शायद वो कील आप अगर हल्का सा साइड में करो तो वहां पर लोहा नहीं है, जैसे दीवार के अंदर होता है ना एक बीम होता है, तो वहां पर लोहा है तो कील वहां पर अंदर जा नहीं रही है, तो क्रिएटिव थिंकिंग किसे कहेंगे, थोड़ा साइड करके देखता हूं ना, समझ गए, वहां पर कोई बीम नहीं है, ठोका कील अंदर, तो क्रिएटिव थिंकिंग समझो क्या होता है। अगर मैं उस बंदे की जगह होऊंगा मैं कैसे सोचूंगा, मैं अगर अपने आप को उस जगह पर रखूं तो हाँ मजा आ गया यार, मतलब 4 साल यहां पर मैंने लगाए और मुझे जॉब नहीं मिली, तो मजा आ गया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, इसका मतलब जॉब का तो ऑप्शन ही मेरे लिए बंद हो गया, मतलब समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, कि मैं अब चाहूं भी तो मैं नौकरी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ढंग की नौकरी मिलेगी ही नहीं और जो नौकरी मिलेगी वो करने लायक ही नहीं है। तो चलो कुछ सोचता हूं, देखता हूं मैंने क्या सीखा है, 4 साल तक हॉस्टल में मैं रहा हूं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा हूं, अब मुझे क्या समझ आया वहां पर रह करके कि जो हॉस्टल्स हैं वहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने फेस करी, कि मेरे हॉस्टल के अंदर कोई भी जो मेरे को डे टू डे यूज के लिए चीजें चाहिए होती थी, दारू सुट्टा और गांजा के अलावा, तो ऐसी जो चीजें मेरे को चाहिए होती थी डे टू डे यूज के लिए, चाहे फिर वो टूथपेस्ट हो, साबुन हो, ये हो वो हो, क्योंकि हॉस्टल में जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं उनकी जो नीड्स हैं वो बहुत अलग होती है उन लोगों से जो नॉर्मली घर में रहते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे हॉस्टल में नहीं थी, मेरे आसपास में पूरा का पूरा जो कैंपस एरिया है वहां पर कोई भी ऐसी शॉप नहीं थी जहां पर मैं जाऊं और एक ही शॉप से मेरे को सब कुछ वो मिल जाए जो मुझे चाहिए, मतलब कि 4 अलग अलग दुकानों पर जाना पड़ता है, एक दुकान यहां है, एक दुकान 1 किलोमीटर दूर है, 1-2 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है, और ज्यादातर जो लोग होते हैं हॉस्टल्स में उनके पास कन्वेंस भी नहीं होता है, तो वो सब उठा उठा करके सामान लाना पड़ता है, मतलब कितनी प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है, ये प्रॉब्लम्स, आप समझ गए ना, इसको ध्यान से समझे ना। अब मैं जैसे जैसे आप लोगों से बात कर रहा हूं ना, मैं अपना भी रिकॉल कर पा रहा हूं कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा, एज अ मॉडल जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी थी उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं फोटोग्राफर बना। एक प्रॉब्लम थी मेजर कि 90% से ज्यादा जो मॉडलिंग एजेंसी थी वो सब फ्रॉड थी, तो अंदर से आया था कि नहीं यार मुझे कुछ करना है,
तो जैसे ही अपनी नजर को इस प्रॉब्लम पे आप ले गए, जिस प्रॉब्लम को आपने फेस किया है, जिसको आपने फील किया है, जिसको आपने एक्सपीरियंस किया है, तो उससे रिलेटेड थॉट्स आपके माइंड में आने लग गए। ये थॉट्स ही तो आइडियाज हैं, और क्या है। लोग आइडियाज का मतलब ये समझते हैं कि मुझे कुछ अजीब सा सोचना पड़ेगा। इंटरनेट पे बैठ करके देखते रहते हैं बिजनेस आइडियाज क्या है, उससे क्या होगा। आपके एक्सपीरियंस से वो कनेक्टेड है, आपके अंदर से आ रहा है। अंदर से आने का मतलब क्या है, कि आपने एक प्रॉब्लम को फेस किया हो और आप उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो। तो अगर अपने हॉस्टल का आप सोल्यूशन निकालते हो, आप कहते हो मेरे पास में लिमिटेड पैसा है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5-10 हज़ार रुपए है, तो मैं ये नहीं कर सकता कि पूरे के पूरे कैंपस को ये ऑप्शन दे दूं, इतने मेरे पास में रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन हाँ, जो मेरा हॉस्टल था, जहां से मैं निकला हूं, जहां पर मैं सीनियर था, जहां पर मैंने बच्चों की रैगिंग करी है, जहां पर मुझे ऑलरेडी सब जानते हैं, गेट कीपर से लेकर के ये लोग वो लोग सब जानते हैं, अगर उस हॉस्टल में जो भी कुछ चाहिए, सुई से लेकर के ऊपर तक जो भी, गलत चीजों को हटा दे वहां से, तो जो भी कुछ चाहिए वो सब मेरी एक वेबसाइट बनेगी, वहां पर है, और 2 घंटे के अंदर अंदर आपको डिलीवरी मिलेगी, विद इन 2 आवर्स। आपको कहीं जाना नहीं, आना नहीं है, 2 घंटे में मिलेगी, और जो मार्केट में आप जहां से भी ले रहे हो उससे थोड़ा सा सस्ता ही मिलेगा आपको। आसपास में किसी दुकान वाले से भी टाइप कर सकते हो, आसपास में जो दुकानें हैं उनसे भी टाइप कर सकते हो। किसको आता हुआ पैसा बुरा लगता है, समझे। उनको जा करके आपने बोला कि मैं बल्क में लूंगा आपसे, मेरे को रेट बढ़िया दो। आपने पहले ही सारे रेट पता कर लिए, होलसेल मार्केट में जाके ये रेट होते हैं। अब जा करके आसपास के दुकानदारों से आप बात कर रहे हो और उनको भी थोड़ा सा मार्जिन दे रहे हो, तो आपको दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। पास में ही किसी भी दुकान से उठाया माल, ला करके वहां पे उसको दिया, पैसा आपके हाथ में, आपने जा करके उस दुकान वाले को दिया, बाकी का जो मार्जिन है वो डाला।